राहुल का भी फोटो ले लो। ये कौन है? ये कौन है? ये हैं यार, छुप रहे हैं सुदामा। सुदामा ने भाई छुप गए, सुदामा ने छुप गए भाई, सुदामा छुप रहे हैं, छुप गए हैं। और ये रघु उस्ताद, एक लोग से मोदक का डब्बा नहीं खुल रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों अभी हम हैं राज पुरोहित ढाबे पर, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों सुबह का नाविस बज रहा है 7 और हम लोग आ गए हैं चाय पीने के लिए। और दोस्तों जो हमारे यहाँ के ड्राइवर जो थे सब जो मुंबई चले गए थे, वो लोग भी आ गए हैं क्योंकि गाड़ी हमारी यहाँ से भी भरने वाली है। तो ये देखिए राहुल और वहाँ पर महेंद्र, 2-3-4 ड्राइवर और जो यहाँ से चले गए थे वो लोग भी सब लोग आ चुके हैं। और हम लोग भी चाय के इंतज़ार में बैठ गए हैं, चाय पीने के इंतज़ार में। तो दोस्तों ऑर्डर तो दे दिया है, अभी ऑर्डर आता ही होगा। ये रहे बाकी के ड्राइवर, ये भी हैं आ गए हैं, यानी कि ये भी इधर गाड़ी छोड़कर चले गए थे मुंबई। तो दोस्तों चलिए हम लोग चाय का मज़ा लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमारी चाय आ चुकी है और हम लोग चाय पीना स्टार्ट कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। कुछ लोग का तो चाय पी के हो गया है बट मेरा अभी चाय पीना बाकी। ये देखिए मुकेश भी चाय पी के कप रख दिए हैं और मेरा भी चाय पीना बाकी है, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा जो जलते रहता है तो मैं नहीं पी पाता हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाता है तो मैं पीता हूँ। तो दोस्तों देखिए अभी हम बिस्किट भी लिए हैं, बिस्किट भी उसमें चाय में डुबा के मस्त से चाय बिस्किट खा रहे हैं। और बाकी लोग को क्या है, जिसका चाय है ना वो फटाफट चाय पी लिए, बोले हमको बिस्कुट नहीं चाहिए, बट हमको बिस्किट चाहिए था, इसके लिए मैं थोड़ा आराम से चाय बिस्किट खा के उसके बाद चाय पीना स्टार्ट कर दिया हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग ना अभी आज जाने वाले हैं मार्केट सब्जी भाजी खरीदने के लिए। दोस्तों मैं तो नहा के एकदम हो चुका हूँ रेडी, और अभी कुछ लोग नहाना के लिए बाकी है और मुकेश भी अभी नहाने के लिए बाकी हैं, तो जा रहे हैं नहाने के लिए। नहा कर आएंगे तो हम लोग जाएंगे आज सब्जी वगैरह भाजी वगैरह खरीदने के लिए। और मैंने सबको बोला है मोदक खिलाने के लिए, तो जाएंगे आज मार्केट। दोस्तों आप लोग चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो में ना बहुत ही मज़े आने वाले हैं। चला और सब ये दोस्तों जो कुत्ता है ना, ये होटल पे ही रहता था, बट जब से हम लोग आए ना तब से हमारे साथ में घूमता टहलते रहता है। दोस्तों मैंने सब लोग को बोला है कि जा रहा हूँ मोदक, चलो सब लोग साथ में तो मोदक खिलाता हूँ। और इसके लिए मैं सबको लेके आया हूँ, जा रहा हूँ अभी मोदक खिलाने के लिए। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग में बने रहिए, आपको दिखाते हैं आगे का हम अपना ब्लॉग। वैसे ही दोस्तों भाजी वगैरह खरीदना है तो हम लोग सब्जी वगैरह भी खरीद लेंगे। हमारा गुरु वही है दोस्तों। आज हम लोग जा रहे हैं, अभी शाम का टाइम हो गया है ना, तो जा रहे हैं अभी भाजी वगैरह खरीदने के लिए। और ये जो रोड जाता है ना सीधा मुंबई जाएगा, और ये ईस्ट साइड वाला जो रोड है ये वाला, ये सीधा जाएगा गोवा बॉर्डर। और ये गाड़ी जा रही है अभी मुंबई भर के, यानी कि इसका टाइम हो चुका है। और बाकी का इसका जो पैसेंजर है अभी कनकौली में कुछ वेट कर रहे हैं, वहीं से गाड़ी पैक हो जाएगा, उसके बाद ये निकल जाएगा मुंबई के लिए रवाना हो जाएगा। और ये हमारे सब गुरु लोग हैं, ये देखिए चचा हमारे हैं, और ये देखिए दो लोग भाई उस्ताद लोग हैं, ये दोनों लोग जा रहे हैं, ये लोग भी सब्जी खरीदने के लिए। ये लोग ना बोल रहे हैं कि हमको वीडियो में मत ऐड करो, इसके लिए सब लोग छुप रहे हैं। ये हमारे लाले हैं, ये इसका कोई टेंशन नहीं है, ये तो बोलते हैं एकदम बिंदास ले लो, राहुल का भी फोटो ले लो, ये बोलते कौन है? ये कौन है? ये हैं यार, छुप रहे हैं सुदामा। सुदामा ने भाई छुप गए, सुदामा ने छुप गए भाई, सुदामा छुप रहे हैं, छुप गए हैं। और ये रघु उस्ताद हैं, और उसके बाद घनश्याम यादव उस्ताद हैं, ये
और यहाँ पर ना ये होटल का कुछ काम चालू है, यहाँ पे भी होटल बनने वाला है। और रोड ना एकदम डामर वाला है बट एकदम जबरदस्त है, एकदम क्लीन, किधर खड्डा वगैरह कुछ नहीं है, एकदम जबरदस्त लग रहा है देखने में। और यही रोड पे ना, ऐसे ही रोड पे सफ़र बहुत मस्त कटता है, क्योंकि खड्डा वगैरह रहता नहीं है, एकदम रपा रप में गाड़ी जाती रहती है। तो इसमें ना गाड़ी चलाने में ना बहुत मज़ा आता है, आप लोग देख लीजिए, यहाँ से टाइम नहीं लगता, गाड़ी क्रॉस हो जाती है नज़र के सामने से। सीएनजी गैस का जो दो ट्रक है, शायद कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है, ये लोग रास्ते में ही खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये सिंगल रोड है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। और गैस का भी गाड़ी है, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है, बट कोई नहीं, ये दोनों गाड़ी साथ का है, तो अगर दो गाड़ी साथ में रहता है, दो तीन गाड़ी ना, तो बहुत ज़्यादा यानी कि एक सहारा मिलता है, क्योंकि दूसरा गाड़ी को अगर प्रॉब्लम हुआ ना, तो दूसरा गाड़ी यानी कि साथ में रहता है तो अच्छा रहता है, जैसा भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ उसके पास सामान है, कुछ उसके पास है, तो दोनों एडजस्ट हो जाता है अच्छे तरीके से। दोस्तों अभी हम लोग ना दुकान के पास में आ गए हैं, ये जो पानी भरा है इसके जस्ट आगे ही दुकान है, और हम यहाँ पर आ गए हैं दुकान के पास में। दोस्तों आपको दिखाते हैं, ये रहा पूरा दुकान का व्यू, और यहीं पर एक छोटी सी सब्जी की भी आगे दुकान है। दोस्तों हमने मोदक ले लिया है, और ये भाई मोदक खोलते खोलते डब्बा परेशान हो गए, इनसे मोदक का डब्बा ही नहीं खुल रहा है, और बाकी सब लोग इंतज़ार में है कि जैसा मोदक फटक से डिब्बा खुलेगा और बटेगा, क्योंकि इसमें 50 रुपये का 21 मोदक है, तो इसके लिए सबको दो दो आएगा, तो सब लोग अपना हिस्सा बराबर लेने वाले हैं। दोस्तों ये जो कुत्ता साथ में आया था वो भी है हमारे साथ में, इसके लिए भी हमने बिस्किट ले लिया था। और आशीष ने ना मोदक ख़त्म हुआ तो एक लाडू का पैकेट भी ले लिया, जिसमें से उसमें भी तीन तीन हमको हिस्सा मिला है, तीन तीन लाडू का। तो चलिए दोस्तों आपको दिखाते हैं, ये रहा एक एक सबको, यानी कि फिर से बाद में बच गया ज़्यादा, तो एक एक वापस मिलने लगा, और हमको भी हमारे हिस्से का एक और मिल गया है। तो दोस्तों हमने यहाँ से भाजी ख़रीदा ये मौसी के इधर से, और फिर हम लोग चल दिए अपने गाड़ी के ऊपर। तो दोस्तों गाड़ी पे जाते हुए ना हमारे राइट साइड में एक चाय की दुकान है, तो हम लोग वहाँ पर चले गए चाय पीने के लिए, आपको दिखाते हैं। ये रहा संजय पांडे होटल, और यहाँ पर मस्त हम लोग ने चाय भी ऑर्डर कर दिया और चाय पीने लगे। और दोस्तों अभी हम लोग में बात चल रहा है कि कौन कौन वड़ा पाव खाएगा, मैंने तो बोल दिया कि मैं वड़ा पाव नहीं खाऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ पर सामग्री पूरी रेडी नहीं है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसके लिए, क्योंकि खाना भी अभी बनाना है। दोस्तों ये लोग माने नहीं, वड़ा पाव का ऑर्डर दे दिए और टाइम ज़्यादा लग गया, लगभग 40 से 45 मिनट, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं हम लोग थोड़ा दिन ही था तब भी आए, तब आए थे, और अभी हो गई है शाम।